हेलो एवरीवन, आपका रमन शर्मा आपके सामने है यूट्यूब चैनल रमन आयल्स। रीडिंग मॉड्यूल में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है और ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स एक मॉड्यूल है। मैं आज आप सबको एक टीच करने वाला हूँ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैं प्रॉमिस करता हूँ ये वीडियो सभी बच्चों के लिए, चाहे आपका आयल्स में बिल्कुल जीरो बेस है, आपको कुछ भी समझ नहीं आता, ये 20 मिनट का वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगा और 100% आज के बाद आपके MCQ कभी भी गलत नहीं होंगे। ये ट्रिक है, ये कौन सी ट्रिक है मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हमारा दूसरा चैनल, हमारा तो छोड़िए, आपका दूसरा चैनल रमन इंग्लिश गुरु, जिस पे मैं बच्चों को बिल्कुल जीरो से, बेसिक से मैं इंग्लिश ग्रामर सिखाता हूँ, अच्छे अच्छे टॉपिक डालता हूँ। जो चीज़ें आज तक आपने इंग्लिश ग्रामर में नहीं सीखी, अगर आप आयल्स को क्लियर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वहाँ पर मैं आपको बिल्कुल फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट मैं आपको टीच करता हूँ। तो आज का MCQ वीडियो देखने से पहले, आयल्स के MCQ सीखने से पहले, वीडियो को पॉज कीजिए, YouTube चैनल रमन इंग्लिश गुरु को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको निराशा कभी नहीं होगी। जैसे आप इस चैनल के ऊपर इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको IELTS क्लियर करने के लिए मिलती हैं, उसी तरह आपको उस चैनल के ऊपर इंग्लिश इतनी बारीकी से सिखाई है, चाहे आपका बेस जीरो क्यों नहीं है, आपको रमन शर्मा हीरो बना के छोड़ेगा। तो रमन इंग्लिश गुरु को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर शुरू करते हैं आज का नया मॉड्यूल रीडिंग में MCQ। और आज के बाद कभी भी MCQ में अगर आप फेल हो गए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए रमन आयल्स और रमन इंग्लिश गुरु के साथ। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि आज मैं आपको कैसे ट्रिक्स से मैं आपको टीच करूंगा, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते तो चलते हैं आज के चैप्टर की ओर। तो आज मेरी क्लास है जिसका टॉपिक है और उसका नाम है, दैट इज कॉल्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एंडेंजर्ड हनी बीज। आपको कुछ आए ना आए, मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ कि हनी बीज कैसे होते हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, उस टॉपिक की बात है। मेरे पास 4 MCQs हैं, मैं चारों MCQs को आपको इस तरीके से टीच करूंगा कि आज के बाद MCQ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं, क्या ट्रिक्स हैं, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, तो आपको चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारे लिए कौन सा है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल ऑफ द फ्रूटलेस फॉल अंडरलाइंस द राइटर्स पॉइंट अबाउट। हमें कुछ भी समझ आया चाहे नहीं आया, ट्रांसलेशन आई चाहे नहीं आई, मगर मेरे को ये पता है कि कोई एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जो फ्रूटलेस फॉल है उसमें राइटर क्या कहना चाहता है। मैं सभी बच्चों को ये बताता हूँ, आप सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या करते हो, आप सबसे पहले इन ABCD को पढ़ना शुरू कर देते हो। अगर एग्जाम क्लियर करना चाहते हो MCQ में ABCD को सबसे पहले नहीं पढ़ा करते। मैं ये बहुत क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने इनको पहले रीड किया तो कभी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो शुरू करते हैं, मैंने सबसे पहले क्या देखा कि एक एग्जाम्पल है फ्रूटलेस फॉल की, जिसमें राइटर क्या कहना चाहता है, बस इतना ही। तो चलिए सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, कीवर्ड है हमारा फ्रूटलेस फॉल। जहां पर हमें ये मिला फ्रूटलेस फॉल मिलेगा, देखिए आपके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पड़ा है वर्ड, ये मिल गया सेम एक्यूरेट वर्ड मिल गया और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये शुरू कहां से होता है, जहां पर हमें लोकेशन मिल गई तो उससे पहले सेंटेंस हमने रीड करना है। जैसे लास्ट पे फुल स्टॉप यहां पे है, रिमेंड पे है, तो हम कहां से पढ़ेंगे, यहां से। कंसर्न अबाउट दीज प्रैक्टिसेस एंड देयर इफेक्ट ऑन पॉलिनेटर, इट इज नॉट अ न्यू इन हर 1962 इकोलॉजिकल अलार्म साइलेंट स्प्रिंग रैचल कैरसन वॉन्ड ऑफ अ फ्रूटलेस फॉल। कुछ भी नहीं पता चला, बस इतना पता चला कि किसी चीज की वार्निंग दी हुई है, वार्न किया है
1962 में फ्रूटलेस फॉल के लिए। अभी हमारा जो आंसर है वो शुरू होगा। ये बोल रहे हैं दैट कुड रिजल्ट फ्रॉम द, और इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, जो फ्रूटलेस फॉल है ना उसका क्या रिजल्ट आएगा, डिस अपियरेंस ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटर। जो इंसेक्ट पॉलिनेटर होते हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे, मतलब कि अगर फ्रूटलेस फॉल होगा तो जो इंसेक्ट हैं, कीड़े मकौड़े हैं, वो डिसअपियरेंस हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अब हमारी बारी है ए बी सी डी से एलिमिनेट करना, और चारों में से एक आंसर हमारे सामने होगा। तो चलिए ए बी सी डी में देखते हैं। मान लीजिए ए, नीड्स फॉर यूजिंग पेस्टिसाइड, हमने कोई भी बात नहीं की तो हमारा ए बिल्कुल भी नहीं आएगा। डी देखते हैं, बेनिफिट्स इन बिल्डिंग मोर पॉलिनेशन इंडस्ट्री। देखो इंडस्ट्री ये वर्ड भी नहीं आया। हमारे पास क्या था कि अगर फ्रूटलेस फॉल होगा तो जो इंसेक्ट होते हैं वो डिसअपियर होंगे, वो गायब होंगे। वल्नरेबिलिटीज ऑफ नेटिव बीज, देखो नहीं। और मैं आपको सिखा दूं, जो वल्नरेबल वर्ड होता है इसका मतलब होता है वीक, अनप्रोटेक्टेड, कोई चीज कमजोर होती है ना वो होता है। तो लास्ट पे हमारे पास एक ही चीज बची है, दैट इज कॉल्ड अ बी। उसमें क्या लिखा है, इंपैक्ट्स ऑफ लूजिंग इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। आप ये बात देखिए, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स होते हैं हम उसको लूज कर देंगे। अरे वहां पे क्या था, जो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। डिसअपियर का मतलब क्या होता है, गायब हो जाएंगे, और लूजिंग का मतलब क्या है कि हम उसको लूज कर देंगे, वो चले जाएंगे। तो बिल्कुल सेम मैच कर गया। तो एक्यूरेट आंसर हमारा क्या आया, बी। मैं सभी बच्चों को जो MCQ करते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस की ओर से आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने एक स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसमें से एक वर्ड को उठाना है जो मेन है, वहाँ पे जाना है, एक दो लाइन को पढ़ना है, उसका जो ओवरऑल आएगा ए बी सी डी से मैच करने, ये बात भी नहीं, ये बात भी नहीं, ये बात भी नहीं, और जो होगी आपके सामने आएगी, और मैं 100% श्योर हूँ आपके दिमाग में घंटी बजेगी, बात खत्म। चलो ए पे नहीं बजी, मतलब 31st क्वेश्चन पे नहीं बजी, अब देखते हैं 32 क्वेश्चन करेंगे, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, और आपको IELTS की ईमानदारी से कसम है कि आपने ये देखना है कि आपको आंसर ढूंढना आ गया या नहीं आ गया। 32 के बाद बातें करते हैं। तो हमारा जो 32 क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है, जैसे कि ये बोल रहा है, Why can honey bees adapt to the modern agriculture system? जो हनी बीज हैं वो क्यों अडेप्ट करती हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर की सिस्टम को। मतलब ए बी सी डी तो नहीं पढ़ना, क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि जो हनी बीज हैं, जो मधुमक्खियां हैं, वो मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम को क्यों अडेप्ट करती हैं। तो लोकेशन के लिए मैं कभी भी हनी बीज को नहीं बोलूंगा, ये तो सारा पैराग्राफ में होगी। कहीं पर भी मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम की बात होगी वो मेरा कीवर्ड होगा। जैसे पहले क्वेश्चन में फ्रूटलेस जो फ्रूटफॉल था वो मेरा कीवर्ड था, और दूसरे में मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम है। आपको रीडिंग में कोई भी MCQ आएंगे, एक ना एक आपको वर्ड बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा जो आपको लोकेशन होगा। तो चलिए चलते हैं जहां पर बात हो रही होगी मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में। तो सबसे अच्छी बात आपके सामने क्या होगी, मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम को अगर ढूंढना है तो आपके सामने ये पड़ा है, एक एग्रीकल्चर सिस्टम है। मतलब हमें पता चल गया कि हमारी लोकेशन तो यहां पे आ गई। अब ये नहीं होता कि सर मॉडर्न कहां है, मतलब सेम नहीं मिलता आपको, एज इट इज नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ चेंज करके मिलेगा। तो ये शुरू कहां से हो रहा है, तो शुरू हो रहा है द हनी बीज से। तो एक बार चलते हैं क्या बोलते हैं, द हनी बीज हैज बीन सेमी डोमेस्टिकेटेड सिंस द टाइम ऑफ द एंशियंट इजिप्टियंस। जो हनी बीज हैं वो सेमी डोमेस्टिकेटेड हैं। अगर आपको डोमेस्टिकेटेड का मतलब नहीं पता तो बिल्कुल वरी मत कीजिए, IELTS का टेस्ट नॉलेज वाला टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट ट्रिक्स वाला है। इसके बाद इसने बोला बट, जब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया तो पहले वाला तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, सेमी डोमेस्टिकेटेड की तो बात ही खत्म होगी। इट वॉज नॉट जस्ट अ फेमिलिरिटी दैट डिटरमाइंड दिस चॉइस, द बीज बायोलॉजी इन मैनी वेज इंक्लूडेड सूटेड
टू द काइंड ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम दैट वाज इमर्जिंग. मतलब ये बोलना चाहता है कोई बीज की, कोई बायोलॉजी की बात है, कोई एग्रीकल्चर सिस्टम की बात है. ये तो हमारा क्वेश्चन था, आंसर हमारा अब शुरू होगा. बताया है फॉर एग्जाम्पल, देखो अब आंसर हमारा निकलने वाला है. ये बोलता है हनी बीज हाइव्स कैन बी क्लोज्ड अप. देखो हनी बीज के जो हाइव्स होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं छत्ता, जो हमारा छत्ता होता है, बात याद रखना, ये जो पालते हैं ना मधुमक्खियों को, इनके पास छत्ते नहीं होते, इनके पास बॉक्स होते हैं, डब्बे होते हैं. तो क्या बोला कि जो हनी बीज के हाइव्स हैं, जो डब्बे हैं, कैन बी क्लोज्ड, हम उनको किसी भी टाइम बंद कर सकते हैं. एंड मूव्ड आउट ऑफ द वे व्हेन पेस्टिसाइड्स आर अप्लाइड टू द फील्ड. जब खेतों में हम रे स्प्रे डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, तब हम जो हनी बीज होती है ना, उनके डब्बों को क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. ताकि अगर देखो हनी बीज खेत में होगी, पेस्टिसाइड होगा, तो वो मर जाएंगी. तो सबसे अच्छी बात क्या है कि वो मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम को क्यों अपनाते हैं, कि जिन डब्बों में हनी बीज को रखा जाता है, वो सबसे अच्छी बात है कि जब पेस्टिसाइड डालनी होते हैं ना खेतों में, तब क्या करते हैं, उन डब्बों को क्लोज करके दूसरी जगह छोड़ देते हैं, ताकि जब खेत में पेस्टिसाइड डाली जाए तो मक्खियों को नुकसान ना हो. ए बी सी डी में चारों ऑप्शन है. और मैं सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप आंसर को बहुत अच्छे तरीके से ढूंढें. और देखिए एलिमिनेशन करना, दिमाग में घंटी का बजना, ये रमन सर की टीचिंग है और कुछ भी नहीं है. जैसे एलिमिनेशन करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट द हनी बीज कैन पॉलिनेट मोर क्रॉप्स एफिशिएंटली. याद रखिए कोई क्रॉप्स की बात, कोई एफिशिएंटली की बात हमने नहीं की, तो ये नहीं आएगा. दूसरा द बीज आर सेमी डोमेस्टिकेटेड सिंस एंशियंट टाइम. हाँ, आपको लगेगा कि सर सेमी डोमेस्टिकेटेड सिंस मिल गया, पर वहां पे इजिप्टियन था, यहाँ पे इजिप्ट हमारा मिस हो गया, इसलिए बी नहीं आएगा. चलो डी देखते हैं. द एबिलिटी ऑफ वाइल्ड पॉलिनेटर यूजिंग सर्व क्रॉप्स डिक्लाइंस, ये भी कोई बात नहीं की. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, अगर आप उसको रीड करके देखो, हनी बी हाइव्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्टिसाइड. हमने वहां पे यही पढ़ा था ना, फॉर एग्जाम्पल में जो हनी बी के हाइव हैं, उनको हम क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और बंद करने के बाद हम क्या कर सकते हैं डियर, उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ताकि खेत में जब हम पेस्टिसाइड को छिड़के उनको नुकसान ना हो. और यहीं पर भी आपको ये देखने को मिलेगा, हनी बी के जो हाइव हैं कैन बी प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्टिसाइड. जो हनी बी के हाइव हैं, छत्ते हैं, डब्बे हैं, जो भी है, उसको क्या है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है पेस्टिसाइड की तरफ से. मतलब क्या हो गया, हमारे दो क्वेश्चन हुए और हमने दोनों में क्या क्या देखा. मैं सभी बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश ये आयल्स है ना, इसको रट्टा मत समझिए, बस इसको ये क्लियर कीजिए, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ आपने कुछ नहीं करना, स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद लोकेशन पे जाना है, वहाँ पे जो दो तीन लाइनें पढ़नी है, और इधर आके बस हमने मैच करना है कि कौन कौन सी बात नहीं की, और जो की होगी वो 100% आपके सामने होगी. तो चलो चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर, और उम्मीद करूँगा कि आज के बाद आपके MCQ कभी गलत नहीं होंगे. तो मान लीजिए क्वेश्चन क्या बोलता, इन द सिक्स्थ पैराग्राफ, ये अच्छी बात है हमें लोकेशन मिली गया कि सिक्स्थ पैराग्राफ में हम जाएंगे. विनफ्रीज एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट, जो विनफ्री है उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या प्रूव कर रहा है. तो देखो क्या करता है, पहले मान लीजिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और आपके सामने बचा ये सिक्स्थ वाला. और सिक्स्थ में स्टार्टिंग में आपको मिल गया विनफ्रीज, और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन था कि जो विनफ्री है उसका एक्सपेरिमेंट है और वो क्या प्रूव करना चाहता है और क्या कर रहा है. इसने बोला इन सर्टन प्लेसेस में विनफ्रीज टीम आइडेंटिफाइड, जो विनफ्री है उसकी टीम ने क्या आइडेंटिफाई किया, क्या चीज को उन्होंने ढूंढा, 54 स्पीसीज ऑफ वाइल्ड बीज. जो वाइल्ड बीज होती है ना, जंगली मक्खियां होती है ना, जो जंगली मधुमक्खियां होती हैं, उनकी 54 टाइप्स होती हैं. जैसे हमारे पास डॉग्स होते हैं ना, जैसे जर्मन शेफर्ड हो गया है ना, पिटबुल हो गया, रॉटवीलर हो गया, डाबरमैन हो गया, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं. तो सेम ही जो वाइल्ड की बीज है ना, जो जंगल की मक्खियां है ना,
इनकी 54 टाइप्स हैं, 54 स्पीशीज हैं दैट विजिटेड दीज क्रॉप्स एंड फाउंड दैट वाइल्ड बीज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर्स इन द सिस्टम। वो मक्खियाँ अक्सर खेतों में आती हैं और हमने ये सबसे अच्छी बात देखी है कि जो वाइल्ड की बीज होती है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं पॉलिनेटर के सिस्टम में। मतलब हमें ये पता चल गया वाइल्ड बीज हैं जो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन दो मैनेज्ड हनी बीज जो एक दूसरी टाइप है इसकी वो है मैनेज्ड हनी बीज हैं वर प्रेजेंट ऑन मैनी ऑफ द फार्म्स। बहुत सारे फार्म्स में मैनेज्ड हनी बीज होती हैं। वाइल्ड बीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर 62% ऑफ फ्लावर विजिट इन द स्टडी। ये देखो उसने एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव किया है, जो वाइल्ड बीज होती हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। हनी जो हमारी मैनेज्ड हनी बीज है ना, ये दोनों का कंपैरिजन कर रहा है, वाइल्ड बीज का और मैनेज्ड हनी बीज का। इसने बोला जो वाइल्ड बीज है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेस्ट होती हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, सिस्टम में बहुत अच्छी होती हैं। किसके मतलब किससे ज़्यादा बढ़िया होती हैं? मैनेज्ड हनी बीज से। वाइल्ड बीज सबसे अच्छी हैं, मैनेज्ड बीज उससे कम। और ये भी बात कही है कि जो वाइल्ड बीज होती हैं वो 62% वो फ्लावर्स को विजिट करती हैं और उससे जो शहद वगैरह बनता है जो भी पूरा उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या बोलता है वाइल्ड बीज के बारे में बताया कि वो 52 काइंड की स्पीसीज होती हैं और वर्ल्ड्स बेस्ट होती हैं, सबसे अच्छा काम करती हैं फर्स्ट नंबर पे, और दूसरे नंबर पे जो करती हैं वो मैनेज्ड हनी बीज होती हैं। तो चलिए ABCD से हम मैच करते हैं और आपके सामने ये मान लीजिए ए हनी बीज कैन पॉलिनेट वेरियस क्रॉप्स। नहीं देखो ये कोई बात ही नहीं बनी। दूसरा देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वाइल्ड बीज एज पॉलिनेटर्स। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है हमने की थी, मगर वाइल्ड बीज के साथ साथ हमने मैनेज्ड बीज की भी बात की थी, मगर यहां पे एक ही बात दिखी है इसलिए बी भी नहीं आएगा। सी वाइल्ड बीज कैन इंक्रीज द यील्ड टू अ हायर परसेंटेज। ठीक है भाई वाइल्ड बीज की तो बात कर रहे हो, हमारी जो मैनेज्ड हनी बीज हैं वो कहाँ हैं? तो बचा एक, एक कौन सा बचा? तो लास्ट वाला है, उसको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। ये बोलते हैं ये हम आप इसको देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मान लीजिए लास्ट वाला वाइल्ड बीज वर्क मोर एफिशिएंटली। जो वाइल्ड बीज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं एज अ पॉलिनेटर देन हनी बीज इन सर्टेन केसेस। आपको मैंने वहाँ पे बताया भी था और यहाँ पे भी आपको क्लियर कर देता हूँ। इसने बोला कि जो वाइल्ड बीज है ना वो बहुत एफिशिएंटली काम करती हैं, किससे मुकाबले में? देन कंपैरिजन के लिए आया हनी बीज के। और वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो वाइल्ड बीज हैं वो 54 काइंड्स की जो स्पीशीज हैं और सबसे बेस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, और जो हनी बीज हैं उनसे भी अच्छा काम करती हैं। तो यहाँ पर हमने सेम मैच किया कि जो वाइल्ड बीज हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं, एफिशिएंटली करती हैं, देन किससे? हनी बीज से। तो एक्यूरेट आंसर है जो डी। आप ये देखिए बाकी किसी के साथ भी मैच करके देखोगे ना तो मैच नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन बचा है और मैं आप सभी बच्चों को ये बताता हूँ ये नॉलेज बेस्ड नहीं है। बहुत बच्चे ना लॉजिक के साथ बातें करते हैं, ये नहीं हुआ अगर बीज कितनी बीज है कौन से डब्बे में। अरे भाई नॉलेज नहीं, जो बच्चा ओवर स्मार्ट बन के नॉलेज के साथ आईएएस की रीडिंग करेगा वो कभी भी एग्जाम को क्लियर नहीं करेगा। लास्ट क्वेश्चन है ट्रिक्स बेस्ड है। सभी क्वेश्चंस में मैंने क्या क्या किया, स्टेटमेंट जो रीड की, क्वेश्चन रीड किया, कीवर्ड उठाया, वहां पे पहुंचा, दो तीन लाइनें पढ़ी, इधर आया, मैच करके देखा और 100% आपके सामने जो आंसर है वो निकला। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से फिनिश किए। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है व्हाट डज द राइटर वॉन्ट टू सजेस्ट इन द लास्ट पैराग्राफ। तो लोकेशन भी मिल गई, लास्ट पैराग्राफ में जो राइटर है वो क्या सजेस्ट करना चाहता है, क्या सलाह देना चाहता है। हमने ये देखना है कि लास्ट पैराग्राफ में जो राइटर है वो हमें क्या सलाह दे रहा है। तो लास्ट पैराग्राफ तो भाई जी ये हो गया, तो इसकी सलाह भी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये। इसने बोला इन सर्टन प्लेसेस, तो शुरू से ही करते हैं ना ठीक है, इन सर्टन प्लेसेस विनफ्री टीम आइडेंटिफाइड
यही था ना, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ये नहीं था, मेरे को प्रॉब्लम ये रहा, लास्ट पैराग्राफ ये है, तो ये मैंने बोला पहले भी पढ़ा हुआ है, हम बॉम्बल गए थे, कोई बात नहीं, ऑफ कोर्स नॉट ऑल फार्मर्स विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दीज प्रैक्टिसेस, सभी जो किसान भाई हैं, जो सभी फार्मर हैं, वो सेम चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अपने खेतों में, एंड रिसर्चर्स आर सजेस्टिंग, हमने वहां पे यही था ना कि क्या सजेस्ट किया है, रिसर्चर्स आर सजेस्टिंग अ शिफ्ट टू अ काइंड ऑफ पॉलीग्लोट एग्रीकल्चर सिस्टम। अब हमें ये भी नहीं पता कि पॉलीग्लोट क्या होता है, हमारी नॉलेज कोई मायने नहीं करती, मायने करता है कि हमारा आंसर क्या निकलेगा। तो ये बोल रहा है कि भाई जी जो हमारा आपके सामने हम देखते हैं कि ये सजेस्ट क्या करना चाहता है कि हमें पॉलीग्लोट एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको अप्लाई करना चाहिए फॉर सम स्मॉल स्केल फार्म्स, जो छोटे फार्म्स हैं, छोटे जो खेत हैं, नेटिव बीज मे इंडीड टू ऑल दैट्स नीडेड, मतलब क्या है, जो छोटे फार्म्स होते हैं उनमें हमें नेटिव बीज होती हैं, जो लोकल मक्खियाँ होती हैं ना उनको डालना चाहिए, फॉर लार्जर ऑपरेशंस जो बड़े होते हैं अ सूट ऑफ मैनेज्ड बीज। हमें ये सजेस्ट किया है कि अगर खेत छोटे हैं, मतलब क्या है जमीन कम है, तो आप नेटिव बीज को यूज करें, अगर लैंड ज्यादा है तो आप मैनेज्ड बीज को यूज करें, बस खत्म। तो ए बी सी डी में से क्या है, मान लीजिए एन इंपॉर्टेंस ऑफ हनी बीज इन पॉलिनेशन, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। द रीजन वाई फार्मर्स कैन रिलाई ऑन नेटिव पॉलिनेटर्स, कोई ये बात भी नहीं की। द कंपेरिजन बिटवीन द इंटेंसिव एंड रियर फील्ड एग्रीकल्चर सिस्टम, कोई कंपेरिजन नहीं किया। देखो माने हमने तीन बातें बिल्कुल भी नहीं की, तो बची क्या, एक ही तो बची, तो एक कौन सी बची आप देख सकते हो, द अडॉप्शन ऑफ डिफरेंट बीज इन वेरियस साइजेज ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, हमने वहां पे यही देखा था ना कि अलग अलग जो साइजेज होते हैं, बड़े वाले हैं तो मैनेज्ड बीज, छोटे वाले हैं तो लोकल बीज, जो हमारी नेटिव बीज होती हैं, तो एक्यूरेट आंसर हमारा बी। अगर मैं आपको इसका ओवरऑल क्लियर कर दूं, तो हमारे पास चार क्वेश्चन थे बच्चे, चारों क्वेश्चंस में हमने क्या क्या किया, सबसे पहले लोकेशन के लिए फ्रूट लेस फॉल देखा, वहां पे हम गए तो वहां पे हमें क्या मिला था कि डिसअपियर हो जाएगा जो इंसेक्ट, यहाँ पे था लूज हो जाएगा इंसेक्ट, तो बी। दूसरे क्वेश्चन में मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम हमारा कीवर्ड था, वहां पे गए और हमें ये पता चल गया कि मधुमक्खियां का जो डब्बा है वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, क्योंकि जब हम स्प्रे करते हैं जब कुछ भी है, तो एक्यूरेट आंसर था सी, जो हनी बीज हाइव्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं पेस्टिसाइड से। सिक्स्थ पैराग्राफ बड़ा नॉर्मल था, तो विनफ्री का एक्सपेरिमेंट भी था और हमने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि 54 काइंड की जो आपके सामने स्पीसीज थी, वाइल्ड भी ज़्यादा काम करती हैं, मैनेज भी कम काम करती हैं, तो डी के साथ मैच किया। और लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा था क्या सजेस्ट कर रहा है, और उसने यही बोला कि जो फार्मर्स हैं बड़े खेत वाले हैं उनको जो मैनेज बीज चाहिए, जो छोटे खेत वाले हैं उनको नेटिव बीज चाहिए। तो ये मेरा सबसे बेस्ट पढ़ाने का तरीका था, और बहुत ही कम टाइम में 20 मिनट की क्लास में मैंने आपको MCQ पढ़ाए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूं, आप दूसरों के साथ भी शेयर करो, और चाहे आप घर बैठे भी आयल्स क्रैक कर सकते हो इस चैनल के ऊपर। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लव यू, रिस्पेक्ट यू, बाय रमन शर्मा।